नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो में। और हम सबका रेडियो में वक्त हो चला है आज करियर काउंसलिंग का। जी हाँ, करियर अपडेट के साथ अब हम आपको करियर काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेई के बारे में। दसवीं के बाद अगर किसी से पूछा जाए कि आगे क्या करना है, तो ज्यादातर लोगों का, जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका जवाब यही होता है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग करना है। तो आखिर किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री मनीष सिन्हा, जो की डायरेक्टर है चैंप स्क्वायर कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो खांची 90.4 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सर। जेई मेंस की तैयारी को लेकर बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आईआईटी जेई की तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए, क्या आयु सीमा होती है इसके लिए? देखिए, आईआईटी जेई के एग्जाम जो है बच्चे दो बार देते हैं जी। एक तो तब जिस साल वो अपना प्लस टू दे रहे हैं यानी ट्वेल्थ दे रहे हैं, और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर। ये दो ऑप्शन है बच्चों के पास देने का। और जहाँ तक तैयारी शुरू करने की बात है, अर्ली ये स्टार्ट बेटर इट इज। जो बच्चे अच्छे रैंक के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे रैंक को टारगेट कर रहे हैं, उनको जनरली तैयारी 9th क्लास से शुरू करते हैं। अच्छा, 9th क्लास से ही। वैसे सिलेबस जो होता है, जो क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं 11th 12th के। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि देयर इज अ ह्यूज गैप, देयर इज अ क्वांटम जंप इन द स्टैंडर्ड व्हेन यू गो फ्रॉम 10th टू 11th। यस। तो उस गैप को अगर ब्रिज करना है तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। तो जनरली अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो टॉप रैंक के लिए लड़ रहे हैं, वो 9th से शुरू करते हैं। इन जनरल बच्चे 11th 12th में तैयारी करते हैं। तो सर, इसके लिए जो आयु सीमा होती है वो क्या होती है और कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं? जनरली आईटी जेई एडवांस दो अटेम्प्ट देना होता है, ठीक है। आयु सीमा वही होगी 12th, जिस साल 12th कर रहा है उसके एक साल बाद। तो सर, मैं आगे ये जानना चाहूंगी आपसे कि सर, इसकी तैयारी के लिए किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है, तो किस तरह से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि ये सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जो पूछा जाता है वो प्लस टू का जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। अलग क्या होता है? अलग होता है कि जनरली हम जो बोर्ड एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम में वी फोकस ऑन थ्योरेटिकल पार्ट कि आपको कितना नॉलेज है ब्रॉड में। जब आप आईटीजेई या मेंस एडवांस एग्जाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं बेस्ड ऑन 11th 12th सिलेबस, तो वहाँ पे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, वो अगर आपके पास है तो वो तैयारी उसी तरह होनी चाहिए। सर, मतलब मेन होता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इस दौरान बहुत सारे जो विद्यार्थी, उनके मन में ये भी शंका होती है कि 12th में मार्क्स कम आ गए तो एग्जाम कैसे दें, बहुत सारे ऐसे डर भी पैदा होने लगते हैं, तो मार्क्स का क्या इम्पोर्टेंस है? मार्क्स का इम्पोर्टेंट है, देखिए ऐसा है कि परसेंटेज फिक्स किया गया 75% चाहिए CBSE, और अगर आप ICSE में है, अगर आप स्टेट बोर्ड में है तो टॉप 20% में होना चाहिए आपका मार्क्स। लेकिन इस साल के लिए और पिछले साल भी वो सीमा हटा दी गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, जो पेंडेमिक आया है। इस साल वो सीमा है नहीं, वो एक क्राइटेरिया नहीं है कि परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए 75%, बट आगे होगा ये पक्का है। बिकॉज एक बेसिक चीज माना जाता है कि 75% मार्क्स अगर बच्चा आ रहा है तभी आईटी दे सकता है, और यह जरूरी भी है बिकॉज जो जनरली बच्चे नॉन स्कूलिंग का ट्रेंड लेते हैं, शहर के बाहर जाते हैं, स्कूल पर ध्यान देते हैं, बेसिक स्टडीज, मतलब जो स्कूल स्टडीज है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सरकार का ये मानना है, हमारा भी मानना है, इसलिए स्कूल का भी ध्यान देना चाहिए, स्कूल में परसेंटेज आना चाहिए। ऐसा इन जनरल होता कभी नहीं है, बट सुनने में बहुत बार आता है कि बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं किया और आईटी निकल गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं होगा, एक काल्पनिक बात है। बिकॉज जो बच्चा 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं जानता है वो आईटी नहीं निकाल सकता है, और जो आईटी में 11th 12th का फिजिक्स मैथ्स जानता है वो आराम से प्लस टू में 75% मार्क्स लाएगा। तो मतलब आपको अपने क्लास पर भी उतना ही ध्यान देना है और साथ साथ में तैयारी पे भी ध्यान देना है। सर, इसमें मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि तैयारी में बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर जाकर तैयारी करते हैं रांची से दूर, और जो लोग रांची में रहकर तैयारी करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कोटा जाते हैं और प्रेफरेंस देते कि यार मेरा तो कोटा में नहीं हुआ तो मैं कैसे तैयारी करूँ, तो रांची में रह के किस तरह से तैयारी किया जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ये बच्चे का एक भ्रम है, ये मिथ है, ये कृष्णा है जो बच्चों को तोड़नी चाहिए। आईटी करने वाले बच्चे और आईटी करवाने वाले अध्यापक जनरली झारखंड बिहार के ही हैं। अगर आप पूरे भारत में अगर आप चेक कर लें, जगह बदलने से कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड है। हो सकता है कि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पर आप जब भी किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर कन्वर्शन रेशियो चेक करें। हो सकता है कि टॉप रिजल्ट आ रहा हो वहाँ से, लेकिन कितने बच्चे गए उसमें से कितने बच्चे किए, वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होता है।
हर बच्चा टॉपर नहीं होता है, लेकिन आईटी में 10,000 सीट्स हैं जिसमें अच्छा कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो उस कॉलेज में जाने के लिए आपको उस रैंक में आना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अपने फैमिली के साथ रह कर तैयारी ज़्यादा आसान होती है, बिकॉज यहाँ पे इमोशनल फैक्टर बहुत काम आता है। जी बिल्कुल। अब बच्चा जो है स्ट्रेंस में रहता है, बच्चा तैयारी टफ है, तो अगर माँ बाप साथ हैं तो वो उनको हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। दूर दराज में रह कर तैयारी कर रहा है वो इमोशनल प्रेशर झेल नहीं पाता है। जनरली आप आत्महत्या का केस आप देखिए शहर में बहुत सारा है। जी बिल्कुल हाँ। तो ये सारा चीज होता है, वो इमोशनल काउंसलिंग साथ में माँ पापा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और वो साथ रहते हैं तो ढांढस बना रहता है। इसलिए अपने घर के सबसे नजदीक रह कर तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि घर पे रहें इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से तैयारी करते हैं, घर में रह के तैयारी करते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आईटी की तैयारी में जरूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और कोई बच्चा अगर घर पे रह के तैयारी कर रहा है तो अच्छा से अच्छा रैंक लाता है, लाया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना कोचिंग के रैंक नहीं आता है। बिल्कुल, रैंक तैयारी करने से आता है। अगर आप अच्छी जगह पढ़ भी रहे हैं और आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूरा स्ट्रैटेजिकली तैयारी करना पड़ता है। एक अच्छी जगह रहने पर रहने से फायदा ये है कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है जो आपको हैंड होल्डिंग करके आपको ले जाता है। लेकिन अगर खुद भी तैयारी कर रहे हैं और वो सारा चीज़ कर रहे हैं, जो अच्छी किताबें बना रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको भी रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे ने बिना किसी तैयारी बिना मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर्ड कोचिंग के गए हुए, बिना किसी बड़े स्कूल में पढ़े हुए लाया है, गाँव में बैठा हुआ बच्चा लाया है, तो आता है। तैयारी करनी चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए और अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो सर, ये आपने कहा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करते हो तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बीच कोचिंग संस्थान जो होते हैं, जैसे आपका भी चैम्स स्क्वायर है तो वो भी तैयारी करवाता है, तो कोचिंग संस्थान का कितना महत्व हो जाता है? और अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट की बात करूं तो चैम्स स्क्वायर में तैयारी किस तरह से कराई जाती है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये थोड़ा टफ होता है उन बच्चों को जो बच्चे 11th 12th में स्टार्ट करते हैं, और इन जनरल बच्चे 11th 12th में ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अच्छे मार्गदर्शक के साथ हैं तो वो आपके ये जरिया ये रास्ता जो है ना थोड़ा आसान कर देंगे। करना आप ही को है, लेकिन करने का जो तरीका है वो अगर आपको सही मार्गदर्शक के थ्रू जाएंगे तो आपको मंजिल जरा आसान लगेगी पहुंचना, रास्ता कठिन कम लगेगा। बिल्कुल। तैयारी होने का तरीका पूरा स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिकली डिजाइंड है। हमारा पूरा कोर्स इसलिए साइंटिफिकली डिजाइंड है क्योंकि प्रेशर है बच्चों के पास, वो प्रेशर मिनिमाइज करते हुए बच्चों को कैसे टाइम यूटिलाइज कराया जा सके उसकी कोशिश की गई है। क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी आना है, तो सुबह अगर बच्चा 6 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर आता है, 3:30 बजे फिर कोचिंग के लिए आ जाता है, तो बच्चे के पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। हाँ। तो आपको जब तैयारी करवानी है उन बच्चों को तो ये सारा चीज ध्यान में रख के करवाना है कि बच्चे का टाइम यूज भी करें और उसको मतलब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़े। सर, यहीं पे मैं आपको रोकती हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रोज 8 घंटे पढ़ना चाहिए, रोज 5 घंटे पढ़ना चाहिए, या 2 घंटे पढ़ के भी निकल सकता है आईआईटी, तो क्या सत्य है और क्या झूठ है? देखिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा विभिन्न है। एक बच्चा जिसको क्लास के साथ ही टॉपिक समझ में आता है, एक बच्चा वैसा होता है जो घर में जाके जब तक नहीं पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोनों ही अच्छा रैंक लाने के लिए काबिल है। तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। हर बच्चे का स्ट्रैटेजी अलग होता है। अब अगर आप लेकिन सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा कोई सोचे कि हमारे जैसे कोचिंग में जो रांची का झारखंड बिहार का भी आज के डेट में रिजल्ट वाइज नंबर 1 है और हम एडमिशन लेकर के कर लें, तो मुश्किल है। बिकॉज आपको पढ़ना तो खुद पड़ेगा, अगर आप नहीं खुद पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता है उसमें। पढ़ना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन क्वांटिटी नहीं। 8 घंटे चाहे आप पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो, आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना। आपको ये देखना है कि आपने जो टॉपिक टारगेट सेट किया तो वो टारगेट अचीव हुआ। अगर वो 4 घंटे में अचीव हुआ तो 4 घंटे पढ़िए, अगर उसमें 9 घंटे लग रहे हैं तो 9 घंटे पढ़ना है। बिल्कुल सर, इसी बात पे मैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आती हूँ कि किस तरह से तैयारी करवाई जाती है। देखिए, हम लोग 2 साल का कोर्स होता है और एक साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स होता है उन बच्चों के लिए जो 11th 12th में आईटी करना चाह रहे हैं। मैं आईटी स्पेसिफिक बात करूं, वैसे हमारे यहाँ एडमिशन 6 क्लास से होता है, लेकिन फोकस आईटी 11th 12th है। फाउंडेशन के लिए 9th 10th 11th 12th है। तो जैसे मैंने बताया था कि 9th से क्लास शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको 2 साल के बारे में बताता हूँ। 2 साल की जो तैयारी होती है वो पूरे 2 साल के कोर्स में, मतलब 11th और 12th को हमने 5 भाग में बांटा हुआ है। 5-phase सिस्टम है। पहला 3 फेज 11th को कवर करता है, लास्ट 2 फेज 12th कवर करता है, ठीक है? और उसमें एक लास्ट फेज जुड़ा हुआ है। इस 5 फेज के बाद एक होता है रिव्यू का फेज, जहां पूरा 11th 12th रिवीजन करवाते हैं थर्डली। तो बच्चे को एडमिशन लेने के लिए एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। एडमिशन टेस्ट में अच्छा करने पर उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है।
ठीक है, और वो टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। और ये आपका जो पांच फेज है, हर फेज के बाद रिशफलिंग टेस्ट होता है। रिशफलिंग टेस्ट इसलिए क्योंकि कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है वो एक तरह के ग्रुप में रहे, होमोजेनिटी अगर मेंटेन नहीं रहेगी बैच में तो बच्चों को समझने में दिक्कत होगा। तो वी यूज टू फॉर्म अ होमोजेनियस बैच ऑफ द स्टूडेंट, की मार्क्स के आधार पर होमोजेनिटी मेंटेन की जाती है। और वो रिशफलिंग हर बार होता है तो बच्चे हमेशा चेंज हो सकते हैं, और इससे कॉम्पिटिशन का भावना भी रहता है बच्चों के बीच में। तो यार उसी तरह होती है, फिर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाता है। तो सर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा फीस 2 साल का 3 लाख है, लेकिन अच्छे बच्चों के लिए फीस बैरियर नहीं होता। बिकॉज हम जब स्टार्ट किए थे तो ध्येय यह था कि हम आम बच्चों तक पहुंच सकें जो अच्छे हैं। तो स्कॉलरशिप अप टू 100% तक मिलता है। अप टू 100%, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हमारे 11th के जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर वे अच्छा करते हैं तो उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है। और उसके अलावा अगर किसी की फादर मदर की इनकम 20,000 रुपये महीने से कम है तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप अलग से भी मिलता है। जी, तो चलिए मैं बात करना चाहूँगी वैसे स्टूडेंट जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उन्हें किस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इसमें किन बुक्स को पढ़ना चाहिए, आप कौन से बुक रिकमेंड करेंगे? बेसिक एनसीईआरटी तो सबसे जरूरी है। एनसीईआरटी सबसे जरूरी है, चाहे वो बच्चा किसी तरह भी तैयारी कर रहा है। उसके बाद जितने ज्यादा किताब बनाए उतना अच्छा है। फिजिक्स में जैसे एससी वर्मा हुआ या रसनिक हुआ या डीसी पांडे हुआ, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलग अलग किताबें बट बेसिक किताब है एनसीईआरटी। बिकॉज एनसीईआरटी के सिलेबस अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, और मैं जेईई मेंस की अगर बात कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है अच्छा रैंक लाने। तो सर यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, थैंक यू।